देश की फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी हैदराबाद आज देश का दूसरा सबसे बड़ा आईटी हब बन चुका है बैंगलोर के बाद। 1.8 लाख करोड़ रुपीस का आईटी एक्सपोर्ट देखने को मिला इधर पिछले साल। 1500 से ज्यादा आईटी कंपनीज और लगभग 8 लाख एम्प्लॉयज काम करते हैं इसमें, जो शहर को टेक्नोलॉजी में एक जगरनॉट के रूप में स्थापित करने में कामयाब रहे हैं। कई मेजर कंपनीज ने इधर अपने हेडक्वार्टर्स भी सेटअप किए हैं और इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स पर काम चलता है इसमें, जैसे IBM, Amazon, Google, Microsoft और Apple। Microsoft का तो सबसे बड़ा रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफिस USA के बाद हैदराबाद में ही बना है और Amazon का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट ऑफिस दुनिया में इधर ही है। इस इन्वेस्टमेंट और ग्रोथ के कई कारण हैं जिन्हें हमने डिटेल में कवर किया है आगे, लेकिन इनमें से सबसे बड़े पॉइंट जो निकल कर आते हैं वो हैं गवर्नमेंट सपोर्ट और लोकल लेवल पर स्किल डेवलपमेंट। स्टेट गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स जैसे टी हब, जो नए स्टार्टअप्स के लिए इंक्यूबेशन सेंटर्स का काम करते हैं, उन्हें रिसोर्सेज और हेल्प देने में, इससे कुछ आइडियाज को वायबल प्रोजेक्ट्स में बनाया जा सकता है और फाउंडर्स को एनकरेज करने का भी काम करते हैं ये। यहाँ पर इंडस्ट्री रेडी वर्कफोर्स होने से भी इस ग्रोथ में पंख लग गए हैं। स्टेट में 380 से ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेजेस होने से स्किल्ड वर्कफोर्स भी इजीली अवेलेबल है इन कंपनीज के लिए। इस सक्सेस को देखते हुए नई कंपनीज भी इधर अपना ठिकाना बनाना चाहती हैं। रिसेंटली हुए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में तेलंगाना स्टेट 36,500 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने में कामयाब रही है, मगर यहां तक पहुंचने का रास्ता इतना आसान नहीं था। हैदराबाद भी एक समय में अपने आप को खोज रहा था और जब सब कुछ खराब चल रहा था, उन्होंने अपनी मंजिल खुद चुनी और ग्रोथ के साथ देश का नाम भी ऊंचा करने में सफल रहे। हैदराबाद की शुरुआत 1589 में हुई थी, जब कुली कुतुब शाह, जो कुतुब शाह डायनेस्टी के रूलर थे, उन्होंने मुसी नदी के पास एक छोटा सा टाउन बसाने का सोचा। ये फैसला उनकी कैपिटल गोलकोंडा में पानी की कमी के कारण लिया गया था, जो नदी से सिर्फ 7-8 किलोमीटर ही दूर थी। एक पुराना पुल नजदीक होने की वजह से भी गोलकोंडा तक ट्रैवल करना आसान था वहां से। ये पुल कुछ साल पहले ही कुली कुतुब शाह के फादर इब्राहिम कुतुब शाह वाली ने बनवाया था। हैदराबाद को तो बनाया गया था गोलकोंडा को डीकंजेस्ट करने के लिए, लेकिन बहुत जल्द थोड़ा बहुत ट्रेड भी देखने को मिला, जिसमें डायमंड एक बड़ा पार्ट उभर कर आया। चार मीनार को बनवाने का काम भी इन्होंने ही किया 1591 में। गोलकोंडा डायमंड्स, जो अभी आंध्र प्रदेश के गोदावरी कृष्णा डेल्टा रीजन में माइन किए जाते हैं, एक स्पेशलिटी बन गए थे गोलकोंडा सल्तनत में। इन डायमंड्स को टाइप 2A क्लासिफाई किया जाता है, यानी ये पूरे कार्बन के बने होते हैं बिना नाइट्रोजन के मौजूदगी के, जो बड़े साइज और हाई क्लैरिटी के साथ मिलते हैं। दुनिया में सबसे बेस्ट डायमंड्स कहलाए जाते थे ये सैकड़ों सालों के लिए। टॉप क्वालिटी एंटीक एंड प्रेशियस जेम्स होते थे इधर के, जिसका सबसे फेमस एग्जांपल है कोहिनूर, जो इसी रीजन से निकला था। ऐसे ही कई और पॉपुलर इंडस्ट्रीज भी एस्टैब्लिश हुई थी इस समय, जैसे पर्ल्स, स्टील, आर्म्स और प्रिंटेड फैब्रिक। इसकी वजह से रीजन के दूर एरिया से लोगों ने इधर बसना शुरू कर दिया। सिटी बड़ी और सरप्लस पॉपुलेशन को अकोमोडेट करने लगी है जब कैपिटल सिटी बनी किंगडम की। पास का हैदराबाद अपने बागों, गार्डन्स के लिए जाना जाने लगा और अच्छे वेदर के लिए भी। मिड 17th सेंचुरी तक गोलकोंडा किंगडम को मुगल एम्पायर ने कैप्चर कर लिया औरंगजेब की कमांड में। एनेक्स करने के बाद औरंगजेब ने अपनी पावर कंसोलिडेट कर ली दिल्ली में और फिर से साउथ में लौटे अपना एम्पायर और फैलाने के लिए। हैदराबाद जैसा अमीर शहर पाना उनकी नजर में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी जब उन्होंने ये बैटल जीत लिया गोलकोंडा से। अर्ली 18th सेंचुरी तक हैदराबाद स्टेट इंडिपेंडेंट हो गई थी मुगल से, जिस दौरान कई वॉर्स और कॉन्फ्लिक्ट्स लड़े जा रहे थे मराठास के खिलाफ। इसकी वजह से पूरी इकोनॉमी डिस्ट्रॉय हो गई सिटी की। डायमंड ट्रेड भी बर्बादी की कगार पर था। जो इसे रूल कर रहे थे उनको निजामुल मुल्क से जाना जाने लगा इसी दौरान, यानी पूरे राज्य का राजा। तब से यही टाइटल इस्तेमाल किया जाने लगा है रूलर्स के लिए। पहले निजाम आसफ जाह फर्स्ट और उनके बच्चे, जो बाद में निजाम बने, उन्होंने इकोनॉमी को रिवाइव करने की कोशिश की पब्लिक प्रोजेक्ट्स पर पैसे डालकर, लेकिन पॉलिटिकल स्ट्रगल्स और इंटरनल एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट से उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ कई ट्रीटी साइन करने पड़े उनकी प्रोटेक्शन पाने के लिए, जिसके लिए उन्हें सालाना किराया देना पड़ता। उनके हाथ से धीरे धीरे सॉवरेंटी निकल रही थी, जैसे कोस्टल एरियाज कंपनी को देना, कुछ मेजर पोर्ट्स का कंट्रोल लूज कर देना और ब्रिटिश ट्रूप्स को स्टेट में रखना और उनकी मेंटेनेंस देने से स्टेट बैंकक्रप्ट हो गई अर्ली 19th सेंचुरी में। आसफ जाह फिफ्थ ने अपने शासन में कई रिफॉर्म्स भी किए अपने प्राइम मिनिस्टर सलार जंग फर्स्ट के साथ मिलकर, जैसे सेंट्रल ट्रेजरी बनाना, रेवेन्यू और जुडिशियल सिस्टम को इंप्रूव करना, पहले रेल और टेलीग्राफ नेटवर्क्स बिछाना और पहला कॉलेज दारुल उलम एस्टैब्लिश करना। इन प्रोजेक्ट से इकॉनमी को फायदा पहुंचा। हैदराबाद में अर्बनाइजेशन भी बढ़ी, नए ब्रिजेस और पोर्ट्स का निर्माण हुआ, जिससे डायमंड ट्रेड फिर से पहले की तरह दुनिया में छा गया। रेलवे लाइन कंस्ट्रक्ट करने के लिए 1923 में निजाम्स गारंटीड स्टेट रेलवे की स्थापना की गई, जिससे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम और मजबूत बने और ट्रेड बढ़े। कुछ नई इंडस्ट्रीज जैसे मेटल वर्क्स, टेक्सटाइल और हैंडीक्राफ्ट भी दिखना शुरू हो गए इधर। ये
इंडस्ट्रीज ना सिर्फ शहर की इकोनॉमी बल्कि लोकल एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने में भी कारगर साबित हुई। 1901 तक हैदराबाद की पॉपुलेशन 4.5 लाख पहुंच गई थी, पूरे ब्रिटिश इंडिया में चौथा सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला शहर, और जो पूरी हैदराबाद स्टेट थी उसकी पॉपुलेशन थी 1.1 करोड़। कुछ साल बाद एक खतरनाक फ्लड द ग्रेट मूसी फ्लड ने अपना कहर ढाया शहर पे, 15,000 लोगों को मौत के घाट उतारते हुए और कम से कम 2 लाख लोगों को इफेक्ट करते हुए। मूसी नदी पर बने सारे ब्रिजेस तहस नहस हो गए बस एक पुराना पुल को छोड़कर। इस फ्लड ने काफी शहर को तबाह कर दिया, कई लोगों की जिंदगी उजाड़ दी, जिसने निजाम को रिकंस्ट्रक्शन के साथ बेहतर प्लानिंग करने के लिए मजबूर कर दिया ताकि फ्यूचर में ऐसी तबाही ना देखने को मिले फिर से। उसके लिए सर एम विश्वेश्वरैया, जो कि देश के सबसे पहले और प्रोमिनेंट सिविल इंजीनियर्स में से एक थे, जो बाद में मायसो स्टेट के प्राइम मिनिस्टर भी बने, उन्हें मॉडर्न फ्लड प्रिवेंशन सिस्टम को डिजाइन करने के लिए बुलाया गया। इस प्रोजेक्ट के अलावा भी उनका काफी योगदान रहा है, स्पेशली मैसूर और दूसरे स्टेट्स में। उनको भारत रत्न भी प्रदान किया गया था बाद में। सर एम विश्वेश्वरैया के कहने पर ही 2 बड़े रिजर्वर्स का निर्माण किया गया सिटी के वेस्टर्न साइड पर, उस्मान सागर और हिमायत सागर। इनके बनने से फार्मिंग को रेगुलर वाटर सप्लाई भी मिलने लगा और एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी में बढ़ोतरी देखने को मिली आसपास के रीजन में। कई इंस्टीट्यूशन और पब्लिक बिल्डिंग्स का निर्माण हुआ, जैसे बेगमपेट एयरपोर्ट, हैदराबाद स्टेट बैंक, उस्मानिया यूनिवर्सिटी, निजामिया हॉस्पिटल और हैदराबाद हाईकोर्ट। बेगमपेट एयरपोर्ट के साथ निजाम ने अपनी एयरलाइंस भी शुरू की डेक्कन एयरवेज नाम से, जो एक ज्वाइंट वेंचर था टाटा एयरलाइंस के साथ। निजाम अपनी बेशुमार दौलत के लिए भी मशहूर थे, 173 जेवर ज्वारा थे उनके पास और उन्हें दुनिया का सबसे अमीर आदमी भी घोषित किया गया था 1937 में गोलकोंडा माइंस ओन करने की वजह से। उनकी फोटो टाइम मैगजीन के कवर पर भी छपी थी तब। बेगमपेट एयरपोर्ट में कमर्शियल ऑपरेशंस के साथ लेजर और जॉयराइड सर्विसेज भी चलती थी, जिसका भरपूर इस्तेमाल करते थे निजाम। वर्ल्ड वॉर टू के दौरान रॉयल ब्रिटिश आर्मी ने इसे अपना बेस भी बनाया था। इसके बारे में और जानने के लिए हमारी वीडियो देखें आई बटन पर क्लिक करके। देश को आजादी मिलने के बाद निजाम हैदराबाद स्टेट को इंडिया में ना शामिल करके इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे, लेकिन लोगों में बढ़ती नाखुशी बाहर आई प्रोटेस्ट और वायलेंस के रूप में। इसको देखते हुए होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इंडियन मिलिट्री भेजी, जिससे ऑपरेशन पोलो नाम दिया गया। 4 दिन के अंदर निजाम ने सरेंडर कर दिया और हैदराबाद को ऑफिशियली इंडिया में इंटीग्रेट करने में सफल रहे। लेकिन उसके बाद भी स्टेट को मैनेज करना इतना आसान नहीं था। पहले इलेक्शंस के बाद स्टेट को लिंग्विस्टिक और सोशल लाइंस पर रीऑर्गेनाइज किया गया। कुछ पार्ट बॉम्बे स्टेट में चला गया, आज के महाराष्ट्र, कुछ पार्ट कर्नाटका में और तेलुगु स्पीकिंग रीजन आंध्र प्रदेश में। लेकिन तेलुगु स्पीकिंग लोगों में असंतोष बढ़ने लगा, जो अपनी एक अलग स्टेट की मांग रख रहे थे तेलंगाना नाम से, मगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तब। आंध्रा में स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम शुरू किया, जिससे डेवलपमेंट के साथ नई जॉब्स भी क्रिएट की जा सके। इनमें नए पब्लिक सेक्टर यूनिट्स भी शामिल थे, जैसे BHEL, भारत डायनामिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और NMDC। इन इनिशिएटिव्स की वजह से हैदराबाद एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी बनने लगी। टाइम के साथ लोगों की नीड्स भी चेंज हुई और प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट और बढ़ने लगी। हैदराबाद को एक मॉडर्न सिटी बनाने के लिए कदम उठाए जाने लगे। फिर 1986 में पहला IT टावर खोला इधर इंटरग्राफ नाम से। लेकिन तब के और अभी आंध्र प्रदेश के CM चंद्रबाबू नायडू और उनकी गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव्स उठाए, जिससे हैदराबाद में टेक्नोलॉजी बेस बन पाया। 1995 उनकी गवर्नमेंट ने हाईटेक सिटी को सेटअप किया लार्सन एंड टूब्रो के साथ मिलकर, जिसे साइबराबाद भी कहते हैं। इसका आइडिया उन्हें तब आया जब वो साउथ ईस्ट एशिया के टूर पर इन्वेस्टर से मिलने और स्टेट को प्रमोट करने गए थे। सिंगापुर और मलेशिया में टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट से काफी प्रभावित हुए, खासकर कुआलालंपुर के मल्टीमीडिया सुपर कॉरिडोर से। ये एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन और बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है, जहां नई इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज को एनकरेज किया जाता है टैक्स ब्रेक्स, हाई स्पीड इंटरनेट और बेटर इंफ्रा फैसिलिटीज प्रोवाइड करके। हैदराबाद में ऐसा रिक्रिएट करने के लिए $350 मिलियन इन्वेस्ट किए गए, जो बाद में हाईटेक सिटी बना। बाय बाय बैंगलोर और हेलो हैदराबाद के स्लोगन देने से उनका एम साफ था कि IT इंडस्ट्री इतनी बड़ी बनाओ कि कंपनीज और लोग बैंगलोर की जगह हैदराबाद को चूज करने लगे। इसके लिए CBN और उनके मिनिस्टर्स ने बड़ी इंटरनेशनल कंपनीज जैसे माइक्रोसॉफ्ट, CA टेक्नोलॉजीज, डिलॉयट वगैरह को अपना विजन 2020 बताया और इनवाइट किया हैदराबाद में। नायडू ने पर्सनली बिल गेट्स को माइक्रोसॉफ्ट डेवलपमेंट सेंटर इधर बनाने के लिए कन्विंस किया, जो उनका सेकेंड लार्जेस्ट डेवलपमेंट सेंटर बना USA के बाद। बायोटेक्नोलॉजी कंपनीज को अट्रैक्ट किया और जीनोम वैली बनाई भारत बायोटेक कंपनी के साथ मिलकर। इससे आज हैदराबाद एक फार्मा हब और वैक्सीन कैपिटल ऑफ वर्ल्ड बन पाया है। हाईटेक सिटी, जिसकी फुल फॉर्म है हैदराबाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी सिटी, इसमें साइबर टावर्स पहली बिल्डिंग मानी IT से रिलेटेड, जिसका यूनिक स्टाइल एक सिंबल की तरह उभरा। सिटी ऑफ पर्ल्स का ट्रांसफॉर्मेशन सिटी ऑफ डेस्टिनी IT और फार्मा इंडस्ट्री में होने लगा धीरे धीरे। इसमें बने रहेजा माइंडस्पेस IT पार्क में बहुत जल्द डेवलपमेंट हुई, जो कि एक SEZ है। सिर्फ 14 महीने में 93,000 स्क्वायर मीटर एरिया में ऑफिस बिल्डिंग्स अंकुरित होना शुरू हुई। Hyundai, IBM, Accenture, बैंक ऑफ अमेरिका और फेसबुक जैसी कंपनीज ने
अपनी प्रेजेंस बनाई जहां 10,000 लोग काम करने लगे। बाद में डिलॉयट, पैरेक्सेल, क्वालकॉम, टेक महिंद्रा, ओरेकल, अमेजोन, जनरल इलेक्ट्रिक भी आई, जिससे आईटी इंडस्ट्री एक्सप्लोड हो गई सिटी में। 2008 तक इनमें 20,000 लोग काम कर रहे थे और लगभग 55,000 वर्कर्स को अकोमोडेट कर सकता था ये, जो इसे हाईटेक सिटी का सबसे बड़ा आईटी पार्क बनाता है। अमेजोन एक बड़ा इन्वेस्टर रहा है। अपने ऑपरेशंस इंडिया में उन्होंने 2004 में शुरू किए थे इधर से ही। इसके बाद 2019 में उन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा कैंपस यहाँ खोला, जो 9.5 एकड़ में फैला हुआ है और 15,000 एम्प्लॉयज को हैंडल कर सकता है। फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट भी बनाया गया बैंक्स और रियल एस्टेट कंपनीज को सेटअप करने के एम से। 75 एकड़ एरिया में फैले इस डिस्ट्रिक्ट में TSI बिजनेस पार्क्स और वेवरॉक बिल्डिंग्स वगैरह मौजूद हैं हजारों एम्प्लॉयज के साथ। 2014 में कई साल की स्ट्रगल के बाद फाइनली तेलुगु स्पीकिंग लोगों को अपनी स्टेट मिल गई तेलंगाना। आंध्र प्रदेश के 10 नॉर्थ वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स को नए स्टेट में बनाया गया हैदराबाद कैपिटल के साथ। क्योंकि आंध्र की अपनी कैपिटल तेलंगाना में चली गई, तो उन्होंने इसे 10 साल के लिए टेम्परेरीली अपनी कैपिटल रखा, जिसके बाद अमरावती में शिफ्ट कर दी गई। नए तेलंगाना स्टेट में के चंद्रशेखर राव CM बने और हैदराबाद में IT इंडस्ट्री को नए मुकाम पर ले जाने पर जुट गए। नई बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसीज और फैसिलिटीज बनाने का काम शुरू किया, इनोवेशन बढ़ाने और साथ में स्टार्टअप्स को बूस्ट करने के लिए, जिसका एक बड़ा एग्जांपल है T-Hub। ये टेक्नोलॉजी इंक्यूबेटर है जो 100 से ज्यादा इनोवेशन प्रोग्राम्स को पिछले 7 सालों में डिलीवर करने में कामयाब रहा है। 2000 स्टार्टअप्स को देश और दुनिया में ग्रो करने में मदद पहुंचाई है इन्फ्लुएंशियल स्टेक होल्डर से कनेक्ट करवाकर। इसे CM KCR और IT मिनिस्टर KT रामा राव ने टाटा संस के चेयरमैन रतन टाटा के साथ लॉन्च किया। T-Hub ना सिर्फ प्राइवेट कंपनीज को बल्कि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट्स की ऑर्गेनाइजेशंस को भी इनोवेशन इकोसिस्टम्स बिल्ड करने में मदद करता है। बेस्ट इंक्यूबेटर इन इंडिया का अवार्ड भी दिया गया नेशनल स्टार्टअप्स अवार्ड 2022 में। इसकी सक्सेस को देखते हुए T-Hub 2.0 को भी बनाया जा रहा है अभी। इन इंक्यूबेटर्स के अलावा हैदराबाद और तेलंगाना में न्यू एज एंटरप्रेन्योर्स और वर्कर्स के लिए बेहतरीन हायर एजुकेशन के ऑप्शंस भी हैं। शहर में 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, 3 डीम्ड यूनिवर्सिटीज और 4 स्टेट यूनिवर्सिटीज मौजूद हैं। उस्मानिया यूनिवर्सिटी एक पब्लिक स्टेट यूनिवर्सिटी है, जिसे 1918 में तब के निजाम नवाब मीर उस्मान अली खान की मदद से बनाया गया था। ये शहर की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है। अगर बात टेक्निकल यूनिवर्सिटीज की करें तो यहाँ पर IIT, BITS और IIIT जैसे इंस्टीट्यूशंस भी मौजूद हैं। इनके अलावा इधर कई कोचिंग और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं अपस्किलिंग के लिए, चाहे वो बेसिक कंप्यूटर स्किल्स हो या फिर एडवांस प्रोग्रामिंग और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए। देश भर से स्टूडेंट्स यहाँ आते हैं IT इंडस्ट्री में जाने का सपना लेकर। बिजनेसेस को अट्रैक्ट करने के लिए वर्ल्ड क्लास ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत जरूरी होता है, जैसे रोड्स, एयरपोर्ट और रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। नया एक्सप्रेसवे आउटर रिंग रोड, जो सिटी के अराउंड एक हाई स्पीड लूप बनाता है एयरपोर्ट को हाईटेक सिटी से जोड़ते हुए। हैदराबाद मेट्रो, जिसने सिटी के ट्रांसपोर्टेशन को रेवोल्यूशनाइज कर दिया, 2017 में चालू हुई और आज 3 लाइंस ऑपरेशनल हैं, रेड, ब्लू और ग्रीन लाइन। नया एयरपोर्ट RGI एयरपोर्ट, जो 2008 में खुला, मॉडर्न फैसिलिटीज और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ देश का 4th बिजनेस्ट एयरपोर्ट है। इसके बारे में हमारी डिटेल्ड वीडियो देखने के लिए आई बटन पर क्लिक करें। ये सब बात तो हो गई कि कैसे आज हैदराबाद देश की फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी बन पाई, लेकिन फ्यूचर के लिए भी कई प्लान्स हैं इसे और नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए। इसकी टक्कर इंटरनेशनल फाइनेंशियल और IT हब से हो और दुनिया के सबसे अमीर शहरों में से एक बन पाए लोगों के लिए अनगिनत अपॉर्चुनिटीज के साथ। अभी की बात करें तो लगभग 8 लाख लोग IT सेक्टर में काम कर रहे हैं हैदराबाद में 1500 से ज्यादा कंपनीज में। हर 1000 लोग जो वर्किंग एज के हैं, उनमें से 770 मेल्स और 190 फीमेल्स एम्प्लॉयड हैं। इसके अलावा तेलुगु सिनेमा, जो टॉलीवुड से भी जाना जाता है, देश की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री है हैदराबाद में स्थित। तेलुगु फिल्म्स ने टोटल 23 करोड़ से भी ज्यादा टिकट्स बेची थी 2022 में, इवन बॉलीवुड से भी ज्यादा। देश की सबसे एक्सपेंसिव और हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म्स जैसे बाहुबली 1 और 2, RRR वगैरह इधर ही बनी थी। RRR पहली इंडियन फीचर फिल्म बनी कोई ऑस्कर जीतने वाली नाटू नाटू के लिए। रामोजी फिल्म सिटी, जो सिटी के ईस्टर्न साइड पर पड़ता है, दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म स्टूडियो कॉम्प्लेक्स है, 1666 एकड़ में फैला। जबकि फिल्म इंडस्ट्री एक इम्पोर्टेंट पार्ट है सिटी का, लेकिन जो मेन ग्रोथ है वो IT इंडस्ट्री से ही देखने को मिल रही है। ऐसे ही ट्रैजेक्टरी बरकरार रखने के लिए सिटी कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स और कंपनीज का न्यू टेक्नोलॉजीज पर फोकस है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट ऑफ थिंग्स। पूरे देश में अभी IT सेक्टर में 54 लाख लोग काम करते हैं, GDP में लगभग 7.5% कंट्रीब्यूट करने के साथ $245 बिलियन या 20 लाख करोड़ रुपए। कुछ IT रोल्स हाई डिमांड में रहेंगे फ्यूचर में भी। उनमें से पहला है डेटा साइंटिस्ट। उनका काम डिसीजन मेकिंग में होता है मोस्टली, कि कैसे किसी डेटा को एग्जामिन और इंटरप्रेट करना है। इसके एप्लीकेशंस अलग अलग सेक्टर्स जैसे फाइनेंस, हेल्थ केयर और ई कॉमर्स में होती है। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग, इनकी डिमांड बढ़ेगी अभी मार्केट में, जिससे 7 लाख नई जॉब्स बनने के आसार हैं। नैसकॉम की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में इंडिया की रैंक 1 है AI स्किल एडॉप्शन और टैलेंट कंसंट्रेशन में, यानी यहाँ ज्यादा AI पर काम करने वाले लोग मिलेंगे। इनके अलावा क्लाउड इंजीनियर्स भी हाई डिमांड में है, जो बढ़ती क्लाउड टेक्नोलॉजी मार्केट
और क्लाउड कंप्यूटिंग पर बेस्ड है। पिछले साल देश में साइबर अटैक्स 90% बढ़े थे, तभी ज्यादा सिक्योरिटी मेजर्स की जरूरत महसूस हुई। कुछ वल्नरेबल इंडस्ट्रीज जैसे बैंकिंग, इंश्योरेंस और हेल्थ केयर में इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाएगा। पिछले साल लगभग 40,000 साइबर सिक्योरिटी पोजीशंस खाली पड़ी थी, यानी डिमांड ज्यादा है, स्किल्स की कमी है। फुल स्टैक वेब डेवलपर्स, इंडिया में डेवलपर्स की संख्या तेजी से बढ़ रही है 39% ग्रोथ रेट से। ये देश की हाईएस्ट पेइंग आईटी पोजीशन में से एक है और इसकी डिमांड ज्यादा रहेगी जब तक वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट की जरूरत है। लेकिन इसके बावजूद स्किल टैलेंट की शॉर्टेज देखने को मिल रही है नई टेक्नोलॉजीज के आने से। हालांकि इंडिया में टैलेंट सरप्लस होने के प्रोजेक्शंस हैं 2030 तक 10 लाख टेक प्रोफेशनल्स के साथ, लेकिन जैसे कंपनीज नई टेक्नोलॉजीज अडॉप्ट करना शुरू करेंगी तो उनकी डिमांड भी बढ़ेगी, जिससे स्किल गैप्स उभरने लगेंगे। फ्रेशर्स की हायरिंग को भी कम कर दिया गया है 30% से, स्लो डील्स और यूएसए में गिरती डिमांड के कारण, जिससे स्टूडेंट्स के बीच कॉम्पिटिशन बढ़ गया है जॉब्स के लिए। ये कुछ उतार चढ़ाव है जिससे आईटी इंडस्ट्री इस समय गुजर रहा है। इसका असर हैदराबाद पर भी पड़ेगा, मगर फ्यूचर तो अभी भी ब्राइट ही नजर आ रहा है, क्योंकि सिटी में तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की जा रही है, जैसे अपकमिंग सलापुरिया सत्व नॉलेज पार्क और फिनिक्स बिजनेस हब। इसके अलावा दुंदीगल आईटी पार्क बन रहा है 320 एकड़ में, बोरमपेट 140 एकड़ में और बडवेल 300 एकड़ में। गवर्नमेंट ने माधापुर, गचिबोली और फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट्स में आईटी कॉरिडोर ऑलमोस्ट पूरा कर दिया है, कोई गवर्नमेंट लैंड नहीं बचा देने के लिए। अब ईस्टर्न पार्ट्स में आईटी पार्क्स बनाए जा रहे हैं, ऊपर से भुवनगिरी के बीच में। आईटी पार्क्स के लिए आउटर रिंग रोड के पास कुछ लैंड असाइन भी किया जा चुका है। अब एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल सर्विसेज, फार्मास्यूटिकल्स और प्रोफेशनल सर्विसेज के फॉर्चून 500 जायंट्स भी आ रहे हैं इधर, जैसे गोल्डमैन सैक्स इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए, फेडएक्स अपने सेंटर ऑफ इनोवेशन सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन के लिए, लॉयड्स बैंकिंग ग्रुप साइबर सिक्योरिटी सर्विसेज के लिए और कुछ दूसरी कंपनीज जैसे अपोलो टायर्स, ऑक्यूजन, बायोस्क्वेयर, वार्नर ब्रदर्स और डिस्कवरी भी इसका फायदा उठाना चाहती हैं। बेंगलुरु की बात करें तो अभी भी वो लार्जेस्ट और ज्यादा मैच्योर ग्लोबल सर्विसेज डेस्टिनेशंस की तरह काम करती रहेगी, शॉर्ट टर्म के लिए एटलीस्ट, ज्यादा टैलेंट मौजूद होने से और नीश इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के सपोर्ट सिस्टम होने की वजह से। लेकिन थोड़ा फ्यूचर में देखें तो अगले 7-10 साल में हैदराबाद कैचअप करता हुआ दिख रहा है। रेस में बढ़त बनाते हुए ये बेंगलोर को चैलेंज करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा, देश में टॉप ग्लोबल सर्विस डेस्टिनेशंस के रूप में। एंटरप्रेन्योर्स के अकॉर्डिंग हैदराबाद सब सही डिसीजन लेता हुआ नजर आ रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में। लेकिन आज हैदराबाद बेंगलुरु से लगभग 4 लाख एक्टिव टेक टैलेंट पीछे है और ये एक बड़ा फैक्टर होगा इंडस्ट्री के लिए। एक और चैलेंज है कि बेंगलुरु अभी भी ऊपर आता है देश भर से नए टैलेंट को अट्रैक्ट करने के मामले में, जिससे टैलेंट डिफरेंस बढ़ेगा। इसके बावजूद हैदराबाद सेकेंड या थर्ड एक्सपेंशन सेंटर के लिए तगड़ी पोजिशन बनाकर बैठा है टॉप कंपनीज के लिए, लेकिन बेंगलुरु को ओवरटेक करना अगले 5-6 साल के लिए काफी मुश्किल है और उसके बाद भी सेम ग्रोथ बरकरार रखनी पड़ेगी आगे निकलने के लिए। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की एंट्री होने वाली है इंडिया में, इसके बारे में और जानने के लिए स्क्रीन पर दिए गए कार्ड पर क्लिक करें। धन्यवाद।